बरसाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी दर्शन के लिए, और दर्शन करने के बाद अब हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं सीधे कीर्ति मंदिर के लिए। और प्रांशु भाई यहाँ सामान भी देख रहे हैं कि इनके लिए कुछ मिल जाए या घर के लिए। ये लड्डू गोपाल लग के यहाँ पे, सानू भाई देख रहा है पर्स अगर शायद आ जाए फिट। हाँ अगर चाहिए सानू तो ले लीजिए आप, नहीं चाहिए तो फिर कोई बात नहीं है। तो यार ये प्रिंट टंगी है। और हम लोग आ गए हैं, अब हम जाएंगे प्रिया कुंड सरोवर की तरफ, जो कि ये द्वार दिख रहा है प्रिया कुंड सरोवर ये लगा हुआ है। हम लोग आ गए हैं प्रिया कुंड सरोवर में, देखिए जहाँ पे हमारे परम मित्र कूदने जा रहे हैं सुसाइड पॉइंट पे। बहुत अच्छा, ये देखिए प्रांशु भाई कूद गए कूदने जा रहे हैं बिल्कुल। देखिए ये नज़ारा कुछ यहाँ का ऐसा है, काफ़ी बढ़िया नज़ारा है यहाँ का। ये कैसे बाहें फैलाए ये शाहरुख खान बन रहे हैं, काजोल आने वाली यहाँ पे। प्रांशु भाई कह रहे हैं यार वीडियो यार बाद में बनाना है, यार फोटो लो मेरी पहले। पर हम सोच रहे हैं पहले वीडियो बना ले हमारे दोस्तों के देखने के लिए, भाई लोग देखेंगे प्रिया कुंड सरोवर बांध। और सानू भाई काफ़ी उछल कूद करता हुआ, और ये काफ़ी बच्चे यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या देख रहे हो भाई। और काफ़ी अच्छा नज़ारा है प्रिया कुंड सरोवर का, पानी भी काफ़ी अच्छा है पर गंदा है पानी, बिल्कुल बिल्कुल ग्रीन कलर का पानी है, काफ़ी गहरा है, नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है यहाँ का। और ये बच्चे हमारे दोस्त ऊपर आ चुके हैं, आए आएंगे और सानू भाई पानी पिया आएंगे और हम लोग कीर्ति मंदिर पहुँच गए आएंगे। ये रहा कीर्ति मंदिर का नज़ारा, क्या भाई ये कीर्ति मंदिर का प्रवेश द्वार है, पर यहाँ से एंट्री नहीं होती, एंट्री होती है आगे से, पर जो कि मेन गेट है इसका यही है। ये आ कीर्ति मंदिर का बाहरी नज़ारा काफ़ी अच्छा, अभी आपको अंदर से दिखाते आएंगे। आए चोगा भोगा आगे आएंगे, यहाँ स्लोमो बनाए लो। आ ये कह रहे स्लोमो बनाओ है गो की ना भैया, हम तुम्हें ये दिखा देंगे कीर्ति मंदिर। दर्शन कराए, दर्शन कहाँ कैब कैब नहीं छोड़ते, छोड़ते पर रहो छोर पर ले जाओ भाई जी, घूम के यार बात में बना चाहिए। देखो भैया खराब हो गए, क्या हुआ पाए नहीं काम कर रहे आएंगे आज कितने चले हैंगे भैया फ्यूज उड़ गए हैंगे। अच्छा कीर्ति मंदिर राधे राधे नक्काशी कीर्ति मंदिर बरसाना। और हमारे प्रांशु भाई टहल रहे हैं, देखिए बिल्कुल इसका भी निर्माण श्री कृपालु जी महाराज द्वारा करवाया गया है, पर ये लाल पत्थरों में और प्रेम मंदिर सफ़ेद पत्थरों में है। काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ भी, बहुत सुंदर मनोरम, बहुत सुंदर लगता है अंदर, पर अंदर फ़ोटो अलाउ नहीं है इसलिए अंदर फ़ोटो नहीं खींच सकते, फ़ोटो खींचना मना है। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये भी, देखने लायक है। और रात का नज़ारा इसका कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत होता है। और अब हम लोग चल रहे हैं उधर, जो कि झांकी लगी हुई है, अब वहाँ झांकी के पास चलिए देखते हैं चल के। सानू और प्रांशु भाई आगे जा रहे हैं, और ये रही देखिए कृष्ण भगवान झूला झूलते हुए। कुल्ले रही 10-15 सेकेंड
सानु भाई बहुत ही आराम से खड़ा हुआ है, और ये प्रांशु भाई अपना तालियों का स्वागत करते भगवान कृष्ण का। और ये जो कि सबसे सुंदर श्री कृष्ण और राधा जी, कृष्ण भगवान माँ राधा को झूला झुलाते हुए बहुत ही सुंदर झूले अर्पण किया गया है यहाँ।